नमस्कार साथियों और राम राम। मैं बबलू दाकर स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एकलो क्लास से चित्तौड़गढ़। आज अपन चर्चा करने वाले हैं मर्दा जल के बारे में। अपन इससे पहले मर्दा जल के बारे में एक क्लास देख चुके थे, जिसके अंदर अपन ने जल का सामान्य परिचय देखा, उसके बाद में अपन ने जल का वर्गीकरण देखा था। अब उसी श्रृंखला को अपन आगे बढ़ाते हुए आज अपन देखते हैं प्रमुख शब्दावली के बारे में देखते हैं। तो आज अपन जो जल के मृदा विज्ञान के अंदर अपन जल मृदा जल के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें आज अपन देखेंगे क्या प्रमुख शब्दावली। प्रमुख शब्दावली या मेन टर्मिनोलॉजी के बारे में देखेंगे कि मृदा जल से संबंधित कौन कौन सी शब्दावली है, उनके बारे में देखेंगे। इससे पहले अपन फटाफट एक रिवीजन कर लेते हैं कि कल अपन ने क्या क्या देखा था। कल अपन ने देखा था, या इससे पहले नेक्स्ट क्लास में अपन ने जल के बारे में देखा था, उसमें अपन ने जल का सामान्य परिचय देखा, उसके बाद में अपन ने देखा था मर्दा जल का जो वर्गीकरण होता है उसके बारे में अपन ने विस्तार से देखा था, जिसमें अपन ने मर्दा जल का वर्गीकरण दो भागों में पढ़ा था। एक पढ़ा था अपन ने भौतिक वर्गीकरण और दूसरा अपन ने जैविक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में भी अपन ने तीन भागों में पढ़ा था। पहला अपन ने पढ़ा था इसमें हाइग्रोस्कोपिक वाटर, दूसरा कैपिलरी वाटर और नंबर थर्ड अपन ने देखा था ग्रेविशनल वाटर के बारे में देखा था, और इनके अंदर क्या क्या इनके कैरेक्टर होते हैं, इनका क्या क्या इनकी पीएफ वैल्यू क्या होती है, और इनके एटमोसफेयर या बार में इनकी क्या क्या वैल्यू होती है, उन सभी के बारे में देखा था। उसके बाद में हमने इन तीनों का एक तुलनात्मक अध्ययन भी किया था कि जो इन पर्टिकुलर इनके अंदर तीनों का जो रेंज होती है, उन तीनों के पीएफ वैल्यू क्या होती है, उनकी एटमॉस्फेयर और बार में दोनों में क्या तुलनात्मक अध्ययन के बारे में देखा। इसके बाद अपन ने देखा था पीडब्ल्यूपी क्या होता है, परमानेंट वेल्डिंग पॉइंट क्या होता है, इसके बारे में देखा। पीएफ वैल्यू कॉन्सेप्ट के बारे में भी देखा था और फील्ड कैपेसिटी या क्षेत्र क्षमता के बारे में भी देखा था। आज अपन उसके बाद अपन नेक्स्ट चर्चा करने वाले हैं प्रमुख शब्दावली के बारे में चर्चा करेंगे, या इसको बोलते हैं क्या टर्मिनोलॉजी के बारे में देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले टर्मिनोलॉजी देखने से पहले अपने को केवल टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी है उनके बारे में मैं बता देता हूं कि सबसे पहले अपने को नाम के बारे में पता चल जाएगा। तो सबसे पहले इसमें अपन देखेंगे फॉरेज क्षेत्र या फॉरेज रीजन या फॉरेज एरिया, ठीक है, इसको अपन हिंदी में बोलते हैं क्या फॉरेज क्षेत्र के नाम से अपन जानते हैं। फॉरेज क्षेत्र के नाम से अपन इसको जानते हैं, इंपोर्टेंट है फॉरेज क्षेत्र के बारे में देखना है। नंबर सेकंड इसमें देखना है अपने को होलार्ड क्या होता है, होलार्ड के बारे में देखना है। नंबर थर्ड देखना है अपने को क्रेसार्ड के बारे में देखना है, क्रेसार्ड हिंदी में इसको क्रेसार्ड ही बोलते हैं, इंग्लिश में भी वही बोलते हैं, ठीक है। नंबर फोर्थ पर देखना है अपने को इकार्ड, क्या देखना है इकार्ड, या इसको बोलते हैं क्या इंग्लिश में बोलते हैं इकार्ड के नाम से अपन जानते हैं, इनके बारे में अपने को विस्तार से देखना है, ठीक है। चार इनके बारे में देखना, उसके बाद में अपन देखेंगे सीपेज क्या होता है, लीचिंग क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन और परकुलेशन के बारे में अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं फॉरेस्ट क्षेत्र क्या होता है। फॉरेस्ट क्षेत्र की बात करें तो फॉरेस्ट क्षेत्र का अर्थ होता है कि वह क्षेत्र जहां से पेड़ पौधों के द्वारा खनिज लवण पानी ऑक्सीजन जो पौधे के जो आवश्यक न्यूट्रिएंट होते हैं जिस क्षेत्र से ग्रहण किए जाते हैं द्रव अवस्था से पानी के माध्यम से, तो उस क्षेत्र को अपन किस नाम से जानते हैं फॉरेस्ट क्षेत्र के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए ये अपने को एक प्लांट है, ठीक है, ये कोई एक प्लांट है, ये इसका रूट वाला पार्ट होगा, ठीक है, और ये कोई प्लांट है अपने, ये कोई प्लांट हो गया अपने, ठीक है, ये प्लांट हो गया और जो ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, मान लीजिए कोई भी प्लांट है तो ये प्लांट इसमें इस पूरे जो इसकी जहां जहां तक इसकी जड़ें जाएगी, जड़ों के माध्यम से ये क्या करेगा पोषक तत्वों का अवशोषण करेगा। तो जो ये जिस क्षेत्र से इस वाले पूरे क्षेत्र से ये क्या कर रहा है पोषक तत्व जल का इनका सभी का अवशोषण कर रहा है, तो इस पूरे क्षेत्र को अपन किस नाम से जानते हैं फॉरेस्ट क्षेत्र कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वह क्षेत्र जहां से पेड़ पौधे खनिज लवण का अवशोषण करते हैं उस क्षेत्र को अपन फॉरेस्ट क्षेत्र कहते हैं। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, वह क्षेत्र जहां से पेड़ पौधे खनिज लवण का अवशोषण करते हैं, अवशोषण करते हैं
अवशोषण करते हैं उस क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं, फॉरेस्ट क्षेत्र कहते हैं। काफी इंपोर्टेंट परिभाषा है, एग्जाम में पूछा जाता है कि फॉरेस्ट क्षेत्र क्या है, तो वह क्षेत्र जहां से पेड़ पौधे खनिज लवण का अवशोषण करते हैं उस क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं, फॉरेस्ट क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन चर्चा करें कि होलाड किसे कहते हैं, तो होलाड किसे कहेंगे, तो जो मृदा में जो जल होता है, केवल याद रखना पृथ्वी पर मौजूद जल की बात नहीं कर रहे अपन, केवल मृदा के अंदर जो जल होता है, जो मृदा के अंदर संपूर्ण जल की जो मात्रा होती है उसे अपन होलाड कहते हैं। तो मृदा में उपस्थित संपूर्ण जल की मात्रा को क्या कहते हैं अपन, होलाड कहते हैं। यानी कि मृदा में उपस्थित संपूर्ण जल की मात्रा केवल मृदा के अंदर ही होगी, ना कि पृथ्वी पर। पृथ्वी पर लगभग 71 एरिया में क्या होता है, पानी पाया जाता है, तो अपने को केवल मृदा, उसमें से केवल मृदा में जो जल होता है उसी को अपन किस नाम से जानते हैं, होलाड के नाम से जानते हैं। उसके बाद में एक शब्द आता है, कौन सा, क्रेसार्ड। नंबर थर्ड पर आ जाएगा अपने क्या, क्रेसार्ड। क्रेसार्ड, क्रेसार्ड की बात करें तो क्रेसार्ड की क्या डेफिनेशन है, अब जो संपूर्ण जल होता है मृदा के अंदर, जो संपूर्ण जल होता है इसमें से पेड़ पौधे को कितना मिल रहा है, जो मृदा के अंदर मान लीजिए 100% वाटर अवेलेबल है, 100% में मान लीजिए 70% पेड़ पौधे अवशोषित करते हैं या अपने काम में ले रहे हैं, तो वो 70% क्या हो जाएगा, क्रेसार्ड हो जाएगा। तो वह जल जो पेड़ पौधों द्वारा अवशोषित किया जाता है, वह जल जो पेड़ पौधों द्वारा अवशोषित, पेड़ पौधों द्वारा अवशोषित किया जाता है उस जल को अपन क्या कहते हैं, क्रेसार्ड कहते हैं। यानी कि अगर मान ले 100% जल टोटल मृदा के अंदर, उसमें से अगर 70% जल पेड़ पौधे अवशोषित कर रहे हैं, तो वो 70% जल क्या कहलाएगा, अपने क्रेसार्ड कहलाएगा। और नंबर फोर्थ की बात करें तो नंबर फोर्थ हो जाएगा अपने इकार्ड। क्या हो जाएगा, इकार्ड हो जाएगा। आप इसकी बात करें इकार्ड की, तो इकार्ड अपन इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, यानी कि 70% तो इसने अवशोषित कर लिया, अब बचा कितना, केवल 30% अपने पास में जल बचा, तो वह जल जो, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वह जल जो पेड़ पौधों द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है, अवशोषित नहीं किया जाता है, अवशोषित नहीं किया जाता, उस जल को अपन क्या कहते हैं, इकार्ड के नाम से जानते हैं। चारों के चारों परिभाषा इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि होलाड क्या होता है, क्रेसार्ड क्या होता है, तो फॉरेस्ट एरिया या फॉरेस्ट क्षेत्र क्या होता है, तो वह क्षेत्र जहां से पेड़ पौधे के द्वारा खनिज लवण को अवशोषित किया जाता है, उस पूरे क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं, खनिज लवण कहते हैं। होलाड किसे कहते हैं, मृदा में उपस्थित संपूर्ण जल की मात्रा, मान लीजिए अगर मृदा के अंदर 100% वाटर अवेलेबल है, तो उसका अगर 70% पेड़ पौधे ने उपलब्ध काम में ले लिया अपने दैनिक जीवन में, तो उसे तो अपन कहेंगे क्रेसार्ड, और वह जल जो बचा हुआ रह गया यानी पेड़ पौधों के द्वारा अवशोषित नहीं किया गया, तो उसे अपन किस नाम से जानते हैं, इकार्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, चारों की चारों परिभाषाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद अपन देखते हैं चार वो नई शब्दावली देखते हैं, इसमें नंबर फिफ्थ पर अपन देखते हैं अब लीचिंग क्या होता है, उसके बाद में इनफिल्ट्रेशन, परफोरेशन और सीपेज क्या होता है, इनके बारे में देखते हैं। तो नंबर फिफ्थ पर हो जाएगी अपने क्या, सीपेज। क्या हो जाएगी, सीपेज। सीपेज को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो सीपेज को बोलते हैं क्या, रिसाव। सीपेज को क्या बोलते हैं अपन, रिसाव के नाम से जानते हैं, हिंदी में इसको रिसाव बोलते हैं। अब सीपेज क्या होता है, तो सीपेज का या सीपेज का शाब्दिक अर्थ होता है कि पानी का क्षैतिज प्रवाह मृदा के अंदर। क्षैतिज प्रवाह कैसे होता है, तो ये मान लीजिए अपना एक खेत होता है, ये क्या अपना एक खेत है, खेत का एरिया है, ठीक है, इसके अंदर ये अपना मेड़ बनी हुई है, ये तो इसका क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगी, चेक बेसिन हो जाएगी, और ये इसकी क्या बनी हुई है, ये इसकी क्या बनी हुई, मेड़ बनी हुई है, ठीक है, इसकी ऊपर खाबड़ क्या बनी हुई है, थोड़ी ऊपर की ओर उठी हुई, लगभग 15-20 सेंटीमीटर क्या बनी हुई है, मेड़ बनी हुई, ठीक है, ये इसकी मेड़ बनी हुई है। इसी प्रकार वापिस इधर इस साइड भी क्या बनी हुई, मेड़ बनी हुई है,
ठीक है, ये मेड बनी और वापिस ये क्या हो जाएगा इधर वापिस कैरी आएगी। ठीक, अब इसमें क्या होता है पानी जैसे अपन ये इसका क्या हो जाएगा इधर वाला पार्ट हो जाएगा, ये इधर वाला इसके ऊपर क्या हो जाएगा ये अपने क्या हो जाएगा जिसे अपन ये क्या हो जाएगी नाली हो जाएगी। ठीक है, जिसमें पानी बहता है और अपन गांव की भाषा में इसको क्या बोलते हैं दोरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोरा। ठीक है, गांव की भाषा में इसको अपन किस नाम से जानते हैं दोरा बोलते हैं, जिसमें पानी जाता है ये अपन इसको नाली कह सकते हैं। अब इस नाली में क्या हो रहा है पानी, इस नाली में क्या हो रहा है पानी अंदर जा रहा है यहाँ से। ठीक है, पानी इसमें अंदर जा रहा है तो कई बार अपन देखते हैं कि जो ये मेड़ होती है ये तो क्या है मेड़ है अपना। ठीक है ना, मेड़ है। अब पानी फर्स्ट वाली कैरी में इस वाली कैरी में आ रहा है, ये नंबर दो कैरी और ये नंबर तीन कैरी। ठीक है, अगर पानी अपन किसमें नंबर एक वाली जो कैरी है उसमें पानी पिला रहे फसल को, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पानी होता है जो रिस रिस कर क्या होते हैं उसकी नजदीक वाली जो कैरी होती है उसमें चला जाता है रिस रिस के, जो मेड़ होती है उसके ऊपर वो मेड़ पूरी गीली नहीं होती और रिस रिस के क्या होता है पानी का क्षैतिज प्रवाह होने लग जाता है, यानी कि मेड़ के उस साइड चला जाता है। तो इसे इस क्रिया को अपन किस नाम से जानते हैं क्षैतिज के नाम, इसको अपन क्या बोलते हैं रिसाव कहते हैं। किस नाम से जानते हैं रिसाव के नाम से जानते हैं सीपेज। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी मर्दा में पानी का क्षैतिज प्रवाह क्या कहलाता है सीपेज कहलाता है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, तो मर्दा में पानी का क्षैतिज प्रवाह। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी मर्दा में पानी का क्षैतिज प्रवाह। ठीक, यह तो मैंने उदाहरण के द्वारा समझा दिया। अब इसके उदाहरण की बात करें कि राजस्थान में ऐसी कहां पर मर्दा में जो पानी का जो प्रवाह होता है वो क्षैतिज होता है हॉरिजॉन्टल होता है। तो ये कहां पर होता है, जो गंगा नदी जो अपने श्री गंगानगर इंदिरा गांधी नहर है इंदिरा गांधी नहर के आसपास का क्षेत्र उसमें क्या होता है इंदिरा गांधी नहर जैसे बहती है, ये इंदिरा गांधी नहर बह रही है। ठीक, मान लीजिए ये इंदिरा गांधी नहर बह रही है। अब इसके लगभग 1 किलोमीटर और इसके भी 1 किलोमीटर इधर इसके जो इंदिरा गांधी नहर के लिए जो किनारे बनाए गए किनारों से क्या होता है पानी रिस रिस के जो आसपास की जो मिट्टी होती है लगभग 1 किलोमीटर 500 से 700 मीटर की जो इंदिरा गांधी नहर के आसपास की जो मिट्टी होती है वहां का हो गया दलदली भूमि हो गई, वहां पर पानी का रिसाव होता है जिसके कारण वहां की मिट्टी दलदली हो गई और धीरे धीरे वो क्या हो गए उसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई। तो इस क्रिया को अपन किस नाम से जानते हैं पानी का रिसना, यानी कि पानी इसमें कैसा हो रहा है क्षैतिज प्रवाह क्षैतिज मूवमेंट हो रहा है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है वाटर का। तो इसके इस पानी का क्षैतिज प्रवाह क्या कहलाता है अपना सीपेज के नाम से अपन जानते हैं। ठीक है ना, तो इसका उदाहरण इंपॉर्टेंट है इंदिरा गांधी नहर के आसपास का क्षेत्र क्या जाएगा वो सीपेज की समस्या से क्या ग्रसित है। ठीक है ना, ये अपने को थोड़ा पता होना चाहिए सीपेज क्या होता है इसके बारे में अपन ने देख लिया। पानी का मर्दा में पानी का क्षैतिज प्रवाह या इसको अपन इंग्लिश में बोले तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ वाटर इन सोइल। ठीक है ना, इंग्लिश में ये हो जाएगा। नंबर 6 की बात करें अपन तो क्या हो जाएगा इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, इनफिल्ट्रेशन का जो शाब्दिक अर्थ होता है इन का अर्थ होता है अंदर, इसमें इन का अर्थ क्या हो जाएगा अंदर, इनका अर्थ क्या होता है अंदर और फिल का अर्थ होता है क्या भरना। ठीक है, फिल का अर्थ क्या होता है भरना। ठीक है, और तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा मर्दा के अंदर पानी का प्रवेश, मर्दा के अंदर पानी का प्रवेश, मर्दा के अंदर पानी का प्रवेश क्या कहलाता है इनफिल्ट्रेशन के नाम से अपन जानते हैं। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है, सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि मर्दा के अंदर पानी का प्रवेश क्या कहलाता है इनफिल्ट्रेशन कहलाता है, या अपन कह सकते हैं असंतृप्त अवस्था में मर्दा के अंदर पानी का प्रवेश क्या कहलाता है इनफिल्ट्रेशन के नाम से अपन जानते हैं। ठीक है, नंबर 7 की बात करें अपन, नंबर 7 पर हो जाएगा क्या परकोलेशन, क्या हो जाएगा परकोलेशन। परकोलेशन की बात करें तो परकोलेशन का अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसमें तो क्या हो रहा है पानी मर्दा के अंदर प्रवेश कर रहा है और इसमें क्या हो जाएगा परकोलेशन में मर्दा से पानी बाहर निकलना। ठीक है ना, तो संतृप्त अवस्था से पानी का बाहर
निकलना मर्दा से, यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तो मर्दा से संतृप्त अवस्था से पानी का बाहर निकलना मर्दा से, यानी कि मर्दा में जब जब भी बारिश होती है, तो जब भी बारिश होती है तो ये मान लीजिए अपना एक एरिया होता है, ठीक है, ये इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं मर्दा कण पाए जाते हैं। अब इसमें क्या होगा, जैसे जैसे पानी की बौछार आएगी, पानी मर्दा के जब पहली बार पानी जो मर्दा के कण से टकराएगा, तो कण क्या करेंगे, पानी को अवशोषित कर लेंगे। अवशोषित करने के बाद में एक कंडीशन ऐसी आएगी कि मर्दा उसको 100% तक तो पानी को अवशोषित कर लेगी, लेकिन एक परिस्थिति ऐसी आएगी जिसमें मर्दा के अंदर 100% वाटर अवेलेबल हो जाएगा, उससे ज्यादा होने पर क्या होगा, ये का ही पानी क्या हो जाएगा, बहने लगेगा, ये का ये क्या हो जाएगा, पानी बहने लगेगा मर्दा सतह से, ठीक है ना, मर्दा सतह से पानी बहने लगेगा। तो उस अवस्था को अपन क्या कहते हैं, परकुलेशन कहते हैं, यानी कि संतृप्त अवस्था से या अपन कह सकते हैं कि अतिरिक्त पानी बाहर निकलना मर्दा से, ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन होती है मर्दा से पानी का बाहर निकलना क्या कहलाता है, अपने परकुलेशन कहलाता है, ठीक है ना, ये अपने को थोड़ा पता होना चाहिए। अब बात करते हैं अपन लीचिंग, नेक्स्ट है अपने नंबर 8 पर हो जाएगा, नंबर 8 पे क्या हो जाएगा, लीचिंग। लीचिंग इसको हिंदी में बोलते हैं निक्षालन, निक्षालन इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तो इसकी परिभाषा हो जाएगी पेड़ या फिर अपन कह सकते हैं खनिज लवणों का जड़ क्षेत्र से पानी के साथ घुलकर नीचे जाना, यानी कि लीचिंग की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, खनिज लवणों का जड़ क्षेत्र से पानी के साथ घुलकर नीचे की तरफ जाना क्या कहलाता है, निक्षालन या लीचिंग कहलाता है। और लीचिंग में कौन सी क्रिया सहायक होती है, तो जो परकुलेशन जो क्रिया होती है वो सहायक होती है परकुलेशन के द्वारा। तो सीधा सीधा प्रश्न ये पूछा जाता है कि लीचिंग क्या होती है, तो जड़ क्षेत्र में क्या होता है, पोषक तत्व पाए जाते हैं, पोषक तत्व ज्यादा पानी हो जाता है तब क्या होता है, जो पोषक तत्व होते हैं वो पानी के साथ में घुलकर मर्दा के नीचे की जो परतें होती है वहां चले जाते हैं, और इस क्रिया को अपन लीचिंग कहते हैं। और इसमें किस कौन सी क्रिया का योगदान होता है, तो वो परकोलेशन इसमें क्या होता है, सहायक होता है, ठीक है ना। तो चारों ये भी चारों इंपोर्टेंट है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि सीपेज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन का अर्थ क्या होता है, परकोलेशन लीचिंग और कई बार इनफिल्ट्रेशन और परकोलेशन से सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये अपने को थोड़ा पता होना चाहिए। उसके बाद अपन नेक्स्ट आगे बढ़े, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अपन आगे बढ़े तो इसके अलावा दो और इम्पोर्टेंट अपने पास में अपने टर्मिनोलॉजी उनको देखते हैं, फिर अपने जो शब्दावली है वो खत्म होती है, ठीक है ना। अब इसमें अपन देखते हैं नंबर 9 पर अपने पास में बाकी है कोहेंशन, कोहेंशन या इसी को हिंदी में बोलते हैं क्या, ससंजन, ससंजन बोलते हैं। और नंबर 10 पर हो जाएगा क्या, एडेशन, एडेशन, ठीक है, एडेशन या इसको बोलते हैं क्या, आसंजन, आसंजन के नाम से इसको अपन जानते हैं। होता क्या है, तो ये दो प्रकार के फोर्स होते हैं सोइल के अंदर, जो वाटर होता है वो दो प्रकार के फोर्स के द्वारा आपस में कनेक्टेड रहता है, यानी कि कोहेंशन ससंजन बल और आसंजन बल, ठीक है, अपन इनको हिंदी में जानते हैं ससंजन बल और आसंजन बल। होता क्या है, तो ससंजन का तो तात्पर्य होता है समान अणु के मध्य जो बल लगता है उसे अपन ससंजन बल कहते हैं। जैसे मान लीजिए अपन ने एक चम्मच या गिलास है नीचे पानी गिराते हैं तो वो एक धार के रूप में गिरता है, उसकी एक जैसी परत के रूप में वो जमीन पर गिरता है, ठीक है ना। तो जैसे अपन पानी को गिराते हैं तो वो जो जल का अणु होगा वो आपस में एक दूसरे को बांधे रखते हैं, और वो बांधे रखने के कारण वो एक ही दिशा में गिरते हैं, या फिर अपन कह सकते हैं कि जो खेतों में अपन पिलाई करते हैं या पानी देते हैं फसलों को, तो पानी होता है जो एक जैसे सरफेस में बहता है, तो एक जैसे बहता है तो उसमें क्या होता है, जो जल का जो अणु होता है वो ससंजन बल के द्वारा आपस में जुड़े रहता है और वो पानी आगे से आगे बढ़ता जाता है, ठीक है ना। तो ये होता है ससंजन। आसंजन का अर्थ होता है कि
असमान अणुओं के मध्य लगने वाला जो बल होता है उसे अपन आसंजन कहते हैं। जैसे मान लीजिए अपन ने एक चम्मच में पानी ले लिया और पानी लेने के बाद में उसमें क्या हो जो पानी की बूंद होती है वो लास्ट वाली जो पानी की बूंद होती है वो चम्मच में नीचे की तरफ लटकी रहती है, तो वो एक तो पानी की सतह हो गए और एक चम्मच की सतह पर वो दोनों आपस में क्या हुए चिपके रहते हैं। तो जो वहां पर जो चिपके रहने पर जो बल काम कर रहा है उस बल को अपन क्या कहते हैं आसंजन बल के नाम से अपन जानते हैं, ठीक है ना। ये अपने को थोड़ा पता होना चाहिए। अब इनकी अपन डेफिनेशन देख लेते हैं कि तो क्या हो जाएगा इसका। समान अणु के मध्य लगने वाला बल, समान अणु के मध्य लगने वाले बल को अपन क्या कहते हैं ससंजन या कोएंसेंट फोर्स के नाम से जानते हैं। इसके उदाहरण की बात करें तो पानी के अणु, ठीक है, पानी के अणु के द्वारा पानी का जो अणु होता है वो ससंजन बल के द्वारा आपस में जुड़ा रहता है। आडेंसन या आसंजन की बात करें तो असमान अणु के मध्य लगने वाला बल को अपन क्या कहते हैं असमान अणु के मध्य लगने वाले बल को अपन क्या कहते हैं आडेंसन या आसंजन बल के नाम से अपन जानते हैं। इसके उदाहरण की बात करें अपन तो इसका उदाहरण हो जाएगा अपने जैसे चम्मच व पानी के बीच, चम्मच में पानी के बीच लगा बल, ठीक है। तो ये इसका उदाहरण हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों असमान अणु के मध्य लगने वाला बल आसंजन और ससंजन, समान अणु के मध्य लगने वाले बल को अपन ससंजन बल के नाम से जानते हैं। एक बार होता है कंडेंसेशन या संघनन, उसकी डेफिनेशन क्या होती है तो वाष्प अवस्था से जल का वाष्प अवस्था से तरल अवस्था में बदलना क्या कहलाता है संघनन या कंडेंसेशन कहते हैं। और उस संघनन क्रिया के द्वारा क्या होती है वर्षा होती है, ये अपने को याद रखना है। तो अपन ने 11 शब्दावली के बारे में देखा, एक बार फटाफट 2 मिनट में अपन रिविजन कर लेते हैं। पहला अपन ने देखा था, पहले जो सब शब्दावली के बारे में देखा था उसमें था अपने फॉरेस्ट क्षेत्र क्या होता है, उसके बाद में अपन ने होलाड के बारे में देखा, क्रेसाड के बारे में देखा, इकाड के बारे में देखा, उसके बाद नेक्स्ट बार सीपेज क्या होता है, इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है, परकुलेशन क्या होता है, उसके बाद में लीचिंग के बारे में देखा, इनकी डेफिनेशन के बारे में देखा और कॉन्सेप्ट के बारे में देखा, इसको अपन किस प्रकार याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन ने 2 और शब्दावली के बारे में देखा, एक तो ससंजन बल क्या होता है और एक असंजन बल क्या होता है, इनके बारे में अपने को पता होना चाहिए। और एक अपन ने देखा संघनन क्या होता है, संघनन का अर्थ होता है वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में बदलना, क्या कहलाता है संघनन कहलाता है। और संघनन क्रिया के द्वारा क्या होती है अपने वर्षा होती है, ये अपने को पता होना चाहिए। तो ये अपने जो प्रमुख शब्दावली थी वो अपने खत्म हो गए हैं और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं अब चलते हैं अपन नेक्स्ट आगे देखें अपन, तो इसमें आप अपने को देखना है कि हम मर्दा नमी के बारे में अपन लगभग जो आधे से ज्यादा चैप्टर था वो अपने कंप्लीट हो गया मर्दा जल। अब इसमें अपने केवल एक टॉपिक और बचा हुआ है, उस टॉपिक का नाम है क्या मर्दा नमी का मापन, यानी कि अपन मर्दा के अंदर जो जल होता है उसमें कितनी कौन सी सोल में किस प्रकार की नमी है उसका अपन मापन कैसे करते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो अब हेडिंग डालना मर्दा नमी मापन, ठीक है। तो जो मर्दा नमी का जो मापन होता है वो अपन किस प्रकार कर सकते हैं, तो इसका जो मापन होता है वो अपन 2 प्रकार से कर सकते हैं, 2 विधियों से कर सकते हैं। एक तो अपन कर सकते हैं किसके द्वारा, एक तो कर सकते हैं अपन, इसमें 2 विधियां आती है, एक तो आती है प्रत्यक्ष विधि और एक आती है अपने अप्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि, ठीक है। डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड की बात करें तो इसमें क्या आता है, तो इसमें आता है अपने कौन सी विधि आती है, तो भारात्मक विधि आती है, ठीक है। केवल इसमें अपने को सबसे पहले नाम पता होना चाहिए, उसके बाद में इनके अंदर क्या होता है वो देखेंगे अपन। प्रत्यक्ष के अंदर कौन सी भारात्मक विधि और अप्रत्यक्ष की बात करें तो अप्रत्यक्ष में भी कितनी 4 मेथड आते हैं, कौन कौन सी, सबसे पहले उनको अपने को नाम पता होना चाहिए। पहली हो जाएगी इसमें जो नंबर फर्स्ट होगी वो हो जाएगी इसमें पृष्ठ तनाव विधि, ठीक है, पृष्ठ तनाव विधि, इसको टेंसियोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नंबर सेकंड हो जाएगी इसमें विद्युत चालकता
विधि, नंबर सेकंड होगी इसमें क्या विद्युत चालकता विधि, अपने को पता होना चाहिए नाम। नंबर थर्ड की बात करें अपन तो नंबर थर्ड हो जाएगा इसमें न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन परकीर्णन, न्यूट्रॉन परकीर्णन विधि, न्यूट्रॉन परकीर्णन विधि। नंबर फोर्थ की बात करें तो नंबर फोर्थ हो जाएगा इसमें अपने दाब, झिल्ली विधि, दाब झिल्ली विधि। तो ये दो तरह की विधियां होती है मर्दा नमी मापन की। तो अपन मर्दा नमी मापन की जो विधियां है, मर्दा नमी मापन की विधियां, इनकी चर्चा करें तो ये कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। पहली होती है प्रत्यक्ष विधि और दूसरी होती है अप्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट मेथड। प्रत्यक्ष विधि की बात करें तो प्रत्यक्ष विधि में एक ही इंपॉर्टेंट है भारात्मक विधि, और अप्रत्यक्ष की बात करें तो अप्रत्यक्ष में चार आती है। कौन कौन सी आती है, तो पहली आती है अपने पृष्ठ तनाव विधि, दूसरी आती है विद्युत चालकता विधि, नंबर थर्ड आती है न्यूट्रॉन परकीर्णन विधि, और नंबर फोर्थ आती है दाब झिल्ली विधि। ठीक है ना, ये अपने विधियां आती है। अब इसके बाद में अपन इनको एक एक करके देखते हैं कि इनके अंदर क्या क्या होता है। ठीक है ना, तो अपन सबसे पहले आप देखते हैं इसमें भारात्मक विधि के बारे में देखते हैं। ठीक है ना, तो अपन भारात्मक विधि के बारे में देखें तो भारात्मक विधि में क्या चार से तीन से चार पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो उनके बारे में अपन देख लेते हैं। भारात्मक विधि को इसे इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं, तो इसे इंग्लिश में अपन बोलते हैं ग्रेविमेट्रिक मेथड के नाम से जानते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो ग्रेविमेट्रिक मेथड के नाम से इसको अपन जानते हैं। ठीक है ना, अब इसके अंदर देखते हैं अपन होता क्या। तो इसमें क्या किया जाता है, जो सोयल सैंपल होता है मर्दा नमूना होता है, अल्टीमेटली जो अपन जो निकालते हैं मर्दा नमी का मापन, वो इसमें क्या लेते हैं, सबसे पहले सैंपल लेते हैं। ठीक है ना, सैंपल लेते हैं तो इसमें अपने को चार से पांच पॉइंट हैं जो अपने को पता होना चाहिए। कौन कौन से, पहला होता है कि भारात्मक विधि में जो अपन नमूना लेते हैं, सैंपल लेते हैं, उसको क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, एक नमूने को सैंपल को क्या करते हैं, 105 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ठीक, गर्म करते हैं और एक सैंपल को क्या करते हैं, 105 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। और कब तक गर्म करते हैं, तो 105 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ठीक है, गर्म करने के लिए कितना टाइम तक इसको रखा जाता है, तो इसमें जो टाइम होता है सैंपल को 105 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, और जो इसमें जो टाइम रखा जाता है, इसमें जो सैंपल होता है उसको 24 घंटे तक, यानी कि अपन पूरा मान लीजिए रात और दिन, यानी कि 24 घंटे तक इसको क्या किया जाता है, 125 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। उसके बाद में क्या किया जाता है, इसमें नमी का पता चलता है। ठीक है अपने को, उसके बाद में इसमें अपने को क्या करते हैं, नमी का पता चलता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो इसमें इंपॉर्टेंट है सैंपल को कितना टाइम पर डिग्री पर गर्म किया जाता है, 105 डिग्री सेल्सियस पर इसमें गर्म किया जाता है, और टाइम कितना था 24 घंटे के लिए इसको इसमें क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, ये अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, और इसमें मर्दा नमी का मापन के लिए अपने को कितना वेट करना पड़ता है, तो 24 घंटे तक इसमें वेट करना पड़ता है। तो इसीलिए इसमें क्या लगता है, समय इसमें क्या लगता है, अधिक लगता है, समय ज्यादा लगता है। ये तीन बिंदु इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से, भारात्मक विधि में सैंपल को 105 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है, और 24 घंटे तक क्या करते हैं, गर्म करते हैं, और उसके बाद में नमी का पता चलता है। और समय की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, समय ज्यादा लगता है, इतना होता है। उसके बाद में अपन देखते हैं अप्रत्यक्ष विधि देखते हैं। ठीक है, अप्रत्यक्ष विधि के अंदर अपन देखते हैं, अब इसमें अपन देखते हैं अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि, इसमें प्रत्यक्ष विधि में भारात्मक विधि ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, अपने लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो अपना अप्रत्यक्ष विधि है। कौन सी विधि है, अप्रत्यक्ष विधि, उसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करते हैं। ठीक है ना, तो अब इसमें दो विधियां हैं जिसमें अपन फर्स्ट ए अपन देख चुके हैं, अब इसमें आ जाएगा अपना अप्रत्यक्ष विधि की बात करें तो इसमें सबसे पहले आती है अपने कौन सी, तो इसमें सबसे पहले आती है अपने, सबसे पहले आ जाएगी इसमें क्या, पृष्ठ तनाव विधि। कौन सी विधि, पृष्ठ तनाव विधि, इंपॉर्टेंट है पृष्ठ तनाव विधि। अब पृष्ठ तनाव विधि की अपन चर्चा करें,
तो इसको अपन किसके द्वारा मापते हैं, तो इसमें भी अपने को क्या, अपने को जो अपन देख रहे हैं ये थ्योरेटिकल एग्जाम के लिए नहीं देख रहे, अपन केवल इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो अपन उन्हीं पॉइंट पर चर्चा करेंगे जो केवल परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होती है, ठीक है ना। तो प्रश्न तनाव विधि में परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से बिंदु इंपोर्टेंट है, इसको सबसे पहले मापा किससे जाता है, तो इसमें अपन कौन सा मापा किससे जाता है, तो इसमें जो अपन यंत्र काम में लेते हैं उस यंत्र का नाम क्या है, तो वो होता है टेंसियोमीटर के द्वारा इसका मापा मापा जाता है, ठीक है। नंबर फर्स्ट पॉइंट। नंबर सेकंड पॉइंट की बात करें तो कौन सी मृदा के लिए उपयुक्त है, मृदा है तो उपयोगी है भाई, अपन कौन सी मृदा है तो उपयोगी ले ले सकते हैं, तो टेंसियोमीटर तो ये जो बलुई मृदा होती है, कौन सी मृदा, बलुई मृदा हेतु, बलुई मृदा हेतु उपयोगी, बलुई मृदा है तो उपयोगी। नंबर सेकंड पॉइंट। नंबर थर्ड पॉइंट की बात करें तो इसको अपन जब टेंसियोमीटर की सहायता से अपन मृदा नमी का मापन करते हैं, तो इसमें दाब कितना रखते हैं अपन, तो इसमें जो दाब रखा जाता है वो दाब कितना रखा जाता है, तो 0.85 वायुमंडलीय बार। ये बार क्या होता है, ये अपन ने पिछली क्लास में देखा था कि वायुमंडलीय बार के बारे में अपन देखा था, जो मृदा नमी का मापन है वो या तो अपन किस में मापते हैं, बार में मापते हैं, एटमोस्फेयर में मापते हैं, तो इस ये दाब कितना लेते हैं, तो इसमें 0.85 वायुमंडलीय बार पर ये काम करता है, ठीक है। नंबर फोर्थ पॉइंट की बात करें तो इसका टेंसियोमीटर का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, तो सीधा अपन खेत में प्रयोग कर सकते हैं, खेत में सीधे प्रयोग, खेत में इसका अपन क्या करते कर सकते हैं, सीधा प्रयोग कर सकते हैं। तो जो अपने पृष्ठ तनाव विधि है उसमें चार पॉइंट इंपोर्टेंट है, कौन कौन सा, सबसे पहले तो मीटर इंपोर्टेंट है, कौन से यंत्र के द्वारा मीटर के द्वारा इसका मापन किया जाता है, तो टेंसियोमीटर के द्वारा मापा जाता है, उपयोगी कौन सी मृदा के लिए, तो बलुई मृदा के लिए उपयोगी है, इंपोर्टेंट पॉइंट है ये भी, और कितने वायुमंडलीय दाब पर किया जाता है, तो 0.85 वायुमंडलीय बार पर खेत में सीधे इसको प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें चार पॉइंट इंपोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद अपन देखते हैं नंबर सेकंड वाले, देखते हैं अपन इसमें जो नंबर सेकंड है उसका नाम है विद्युत चालकता विधि, कौन सी विधि, विद्युत चालकता विधि, नंबर सेकंड हो जाएगी क्या, विद्युत विद्युत चालकता विधि। अब अपन बात करें विद्युत चालकता विधि, अब विद्युत चालकता विधि की अपन बात करें तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड के नाम से अपन जानते हैं, ठीक है, या फिर इसका एक नाम और होता है, इसे इसी का दूसरा नाम क्या होता है, जिप्सम ब्लॉक विधि के नाम से भी इसको जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, जिप्सम ब्लॉक विधि, या इसको बोलते हैं जिप्सम ब्लॉक मेथड के नाम से भी अपन जानते हैं, इंपॉर्टेंट है, दोनों नाम याद रखना है अपने को, कौन कौन सा, विद्युत चालकता विधि और दूसरा हो जाएगा जिप्सम ब्लॉक विधि, अपने को पता होना चाहिए। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड के नाम से अपन जानते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो इसमें केवल दो से तीन पॉइंट इंपोर्टेंट है, पहला हो जाएगा इसमें जो अपन इसमें क्या कहता है, विद्युत चालकता विधि में क्या किया जाता है, सोयल लेते हैं और सोयल की जो विद्युत चालकता होती है अलग अलग सोयल की, हर एक सोयल की विद्युत चालकता अलग अलग होती है, उसी बेसिस पर इसको क्या किया जाता है, मृदा नमी का मापन किया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें जो अपन ने विद्युत चालकता में कोई से भी सोयल ली और उसका अपन ने विद्युत चालकता निकाली भी, इस सोयल की मान लीजिए लवणीय मृदा है तो उसकी जो विद्युत चालकता है वो 4 डेसी साइमन पर इतनी है अपने पास में अपने को प्राप्त होगी। उसके बाद में जो रीडिंग लेते हैं अपन, वो रीडिंग किसके सहायता से लेते हैं, तो इसमें वो एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें जो अपन रीडिंग लेते हैं, रीडिंग है तो अपन किसको काम में लेते हैं, तो रीडिंग है तो अपन एक यंत्र काम में लेते हैं, उसका जो नाम है वो क्या हो जाएगा, किस सिद्धांत पर लेते हैं, तो वहीट, वो जो रीडिंग लेते हैं वो लेते हैं अपन वहीट वहीट स्टोन ब्रिज, वहीट स्टोन जो रीडिंग लेते हैं वो लेते हैं वहीट स्टोन ब्रिज की सहायता से, क्या लेते हैं, रीडिंग मापी जाती है की सहायता से। ये प्रकार का यंत्र होता है कि इसमें जो रीडिंग लेते हैं वो व्हाइट स्टोन ब्रिज की सहायता से क्या लिया जाता है, इसमें रीडिंग ली जाती है, ठीक है।
नंबर सेकंड बात करें इसमें अब जो रीडिंग तो अपन लेते हैं, रीडिंग लेने के बाद में इसको कौन से एटमोस्फेयर या वायुमंडलीय दाब पर लेते हैं, तो जो इसको जो लेते हैं वो कौन से वायुमंडलीय दाब पर लेते हैं, तो इसको अपन लेते हैं 1 से 15 वायुमंडलीय दाब पर इसका मृदा नमी का मापन किया जाता है। तो जिस मृदा का मृदा के अंदर अगर 1 से 15 वायुमंडलीय दाब पर अगर जल उपस्थित है, ठीक है, मृदा के अंदर, तो उसके लिए अपन कौन सी विधि काम में लेंगे, तो वो लेंगे अपन विद्युत चालकता विधि का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और नंबर थर्ड पॉइंट की बात करें कौन सी मृदा है तो उपयोगी है, तो उपयोगी हो जाएगा ये, कौन सी मृदा है तो उपयोगी हो जाएगा, तो ये लवणीय मृदा है तो उपयोगी नहीं है, ठीक है ना, ये पॉइंट याद रखना, लवणीय लवणीय मृदा हेतु उपयोगी नहीं, ये पॉइंट भी इसमें इम्पोर्टेंट है, लवणीय मृदा है तो उपयोगी नहीं है, इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो बाकी जो भी सोयल होती है, बलुई मृदा होगी, दोमट मृदा होगी, कले मृदा हो गई, इसके अलावा अपने जो भी मृदा बची हुई, भूरी मृदा हो गई, लाल पीली मृदा हो गई, ये इसके अलावा यानी कि लवणीय मृदा के अलावा जो भी मृदा है, अम्लीय हो, क्षारीय हो, उदासीन हो, कोई सी भी मृदा होगी, अगर उसमें लवण की मात्रा नहीं है तो उसको अपन किसके उसमें अगर मृदा नमी का मापन करना तो अपन विद्युत चालकता विधि आसानी से काम में दे सकते हैं, सिवाय किसको छोड़कर, लवणीय मृदाओं को छोड़कर अपन इसको काम में नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो विद्युत चालकता विधि में कौन सी मृदा को काम में नहीं लेते, तो अपन लवणीय मृदा है तो इसको उपयोग काम में नहीं ले सकते। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब नंबर थर्ड देखते हैं अपन विधि, उस विधि का नाम है न्यूट्रॉन प्रकीर्णन विधि। कौन सी विधि है? न्यूट्रॉन प्रकीर्णन विधि। नंबर थर्ड पर हो जाएगी कौन सी विधि? न्यूट्रॉन प्रकीर्णन, न्यूट्रॉन प्रकीर्णन विधि नंबर थर्ड हो जाएगी, ठीक है। न्यूट्रॉन प्रकीर्णन मेथड की बात करें अपन, तो इसमें भी अपने को 4 से 5 बिंदु इंपोर्टेंट हुए याद रखने। कौन कौन से? पहला तो हो जाएगा जो अब तक की जो अपन ने विधियां पढ़ी, प्रत्यक्ष विधि में भारात्मक पढ़ी, अप्रत्यक्ष में अंदर के अंदर अपन ने विद्युत चालकता विधि पढ़ी, इसके अलावा अपन ने टेंसियोमीटर के द्वारा अपन जो मापते हैं उसका नाम है अपने पृष्ठ तनाव विधि हो गई, जो अपने 4 से 5 मेथड होती है उसमें जो सबसे ज्यादा वैज्ञानिक और सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक उपयोगी जो मेथड होता है मृदा नमी मापन का, वो कौन सी? न्यूट्रॉन प्रकीर्णन विधि हो जाएगी। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या? सर्वाधिक उपयोगी व वैज्ञानिक विधि सर्वाधिक उपयोगी व वैज्ञानिक विधि है यह, ठीक है, ये अपने को थोड़ा बताना चाहिए। इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? सर्वाधिक उपयोगी व वैज्ञानिक विधि कौन सी है? तो सीधा सीधा ये प्रश्न पूछा जाता है कि मृदा नमी मापन के लिए सर्वाधिक उपयोगी व वैज्ञानिक विधि कौन सी है, या वर्तमान में जो मृदा नमी मापन के लिए जो विधि काम में ली जा रही है वो कौन सी होगी? तो वो हो जाएगी न्यूट्रॉन प्रकीर्णन विधि होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें इसमें अपन जो इसमें भी रीडिंग ली जाती है, रीडिंग है तो अपन कौन से तत्व का प्रयोग करते हैं? तो इसमें जो रीडिंग है तो जो तत्व का काम लेते हैं वो लेते हैं, एक तो अपन लेते हैं रेडियम व अमेरिकन बेरिलियम काम लेते हैं। तो इसमें तत्व रीडिंग है तो एक तो काम लेते हैं रेडियम व अमेरिकन बेरिलियम काम लेते हैं, रेडियम व अमेरिकन बेरिलियम काम में लेते हैं अपना को, ये भी इम्पोर्टेंट है। रेडियम है तो कौन सा तत्व काम में लेते हैं? तो रेडियम व अमेरिकन बेरिलियम काम में लेते हैं। नेक्स्ट बात करें इसमें कौन सी मृदा है तो उपयोगी नहीं है, तो मृदा है तो उपयोगी नहीं है, तो किस प्रकार की मृदा है तो उपयोगी नहीं है? तो ये हो जाएगा अपने जो अपने जो ये न्यूट्रॉन प्रकीर्णन विधि, ये कौन सी मृदा है तो उपयोगी नहीं है? तो जो अपने कार्बनिक और जो सतह की जो मृदा होती है, कौन सी मृदा? कार्बनिक व सतह की मृदा, कार्बनिक, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कार्बनिक व सतह मृदा हेतु उपयुक्त, कार्बनिक व सतह मृदा हेतु उपयुक्त नहीं, ये अपने को थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है ना।
तो इसमें तीन पॉइंट इंपोर्टेंट है, कौन कौन से सर्वाधिक उपयोगी वैज्ञानिक विधि रीडिंग के लिए, तत्व कौन सा रेडियम अमेरिकन बेरिलियम काम में लेते हैं, और उपयोगी तो कार्बनी मृदा और सतह मृदा है तो उपयोगी नहीं है। नेक्स्ट बात करें इसी के अंदर कौन से वायुमंडलीय दाब पर ये काम करती है, तो दाब की बात करें तो यह काम करती है अपने कौन से वायुमंडलीय दाब पर काम करती है, तो यह करती है साथियों अपने 0 से 15 bar वायुमंडलीय दाब पर क्या करती है, काम करती है, ये अपने को पता होना चाहिए, ठीक है ना। सर्वाधिक उपयोगी वो आधुनिक वैज्ञानिक विधि है ये रीडिंग है, तो तत्व रेडियम और अमेरिकन बेरिलियम काम में रहते, उपयोगी कार्बनी मृदा व सतह मृदा है तो उपयोगी अपने को पता होना चाहिए। वो दाब की बात करें तो 0 से 15 वायुमंडलीय दाब पर क्या करता है, काम करता है। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन जो लास्ट बचा हुआ है अपने उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। अब इसमें अपन नेक्स्ट चर्चा करते हैं प्रत्यक्ष विधि में, अपने एक बचा हुआ कौन सी, दाब झिल्ली विधि, कौन सी विधि, दाब झिल्ली विधि। दाब झिल्ली विधि ठीक है, नंबर फोर्थ हो जाएगी इसमें दाब झिल्ली, दाब झिल्ली विधि की बात करें अपन तो इसमें क्या कितने 2 से 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है उनके बारे में अपन देखते हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि ये कौन से वायुमंडलीय दाब पर काम करती है, तो कौन से वायुमंडलीय दाब पर काम करती है, तो ये करती है कितने 100 वायुमंडलीय, 100 वायुमंडलीय दाब पर काम करती है, 100 वायुमंडलीय दाब पर काम करती है। नंबर थर्ड सेकंड की बात करें अपन, दाब कौन सा हो जाएगा, 100 वायुमंडलीय दाब पर काम करती है। नंबर सेकंड की बात करें अपन, जो सैंपल लेते हैं इसमें, जो अपन जो नमूना रहते हैं सैंपल लेते हैं, सैंपल को अपन किसमें रखते हैं, तो अपन या तो इसको किसमें रखते हैं, एक इसको जो नमूना होता है उस नमूने को अपन रखने के लिए एक प्लेट काम में, एक प्लेट को काम में लेते हैं, और उस प्लेट का नाम क्या हो जाएगा, तो या उस प्लेट का नाम होता है सिरेमिक, प्लेट का नाम क्या होता है, तो सैंपल रखने के लिए जिस प्लेट को काम में लेते हैं अपन, जिस प्लेट में सैंपल को रखा जाता है वो प्लेट किसकी होती है, तो वो या तो होगी किसकी, सिरेमिक की, सिरेमिक या तो किसकी प्लेट होगी, या तो सिरेमिक की प्लेट होगी, या फिर हो जाएगा क्या, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज सेल्यूलोज एसीटेट, एसीटेट प्लेट में रखा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि जो दाब झिल्ली विधि होती है इसमें जो प्लेट को किस, जो सैंपल होता है उसको कौन सी प्लेट में रखा जाता है, तो या तो सिरेमिक की प्लेट में रखा जाता है या सेल्यूलोज एसीटेट प्लेट के अंदर रखा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये हो गया अपने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष विधियों के मर्दा नमी मापन की कौन सी होगी, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष विधि के बारे में अपन ने विस्तार से समझा। एक बार फटाफट इसका रिवीजन करवा दें, उसके बाद अपन आगे की चर्चा करेंगे। तो मर्दा नमी मापन की अपन ने दो विधियां देखी, कौन कौन सी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष देखी। प्रत्यक्ष में भारात्मक देखी, भारात्मक के कुछ पॉइंट देखे अपन ने, उसके बाद में अपन अप्रत्यक्ष में देखा जिसमें चार विधियां इंपोर्टेंट है, कौन कौन सी, पहली थी पृष्ठ तनाव विधि थी, दूसरी थी अपने विद्युत चालकता विधि, नंबर थर्ड थी अपने न्यूट्रॉन प्रकीर्णन विधि थी, और नंबर फोर्थ थी अपने दाब झिल्ली विधि थी, ठीक है। इनके बारे में अपन ने क्या, और परीक्षा की दृष्टि जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट था उनके बारे में देखा, ठीक है ना। उम्मीद है आप सभी को ये मेरा बताया हुआ समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और अगर आपको और भी किसी एग्रीकल्चर से संबंधित कोई दूसरे सब्जेक्ट में भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मेरे या तो कमेंट सेशन में कमेंट कीजिए उस टॉपिक का नाम लिखकर, या फिर मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा कि हमें इस विषय में, इस टॉपिक पर हमें, हम वीक हैं, तो उस पर मैं अलग से उसका एक शॉर्ट वीडियो बनाकर उसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।